जय श्री राधे, जय निताई। ब्रज भक्ति के 64 अंगों के अंतर्गत 16वां अंग है शोक क्रोधादि का त्याग। शोक क्रोध मोह लोभादि का सदा त्याग करना चाहिए। जिसका मन शोक क्रोधादि से घिरा रहता है उसके चित्त में श्री कृष्ण की स्फूर्ति की संभावना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। रजोगुण तमोगुण से पैदा शोक एवं क्रोधादि से चित्त सदा चंचल रहता है और उसमें कभी भी एकाग्रता नहीं रह सकती। बिना एकाग्रता के श्री भगवान की स्फूर्ति नहीं होती या भजन में मन नहीं लग सकता। अतः शोक क्रोधादि का त्याग करना ही उचित है। शोक क्रोध आदि ये मन की वृत्तियां हैं। ये शब्द प्रायः समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका अपना अलग अलग महत्वपूर्ण अर्थ है। अब शोक क्या है? गई हुई वस्तु का शोक होता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो या कोई ऐसी वस्तु हो, बड़ी कोठी हो, संपत्ति हो, जो पहले हमारे पास थी अब नहीं है, उसके बारे में जो चिंतन है वह शोक कहलाता है। अरे जो था, गया सो गया, शोक करने से क्या होगा? क्रोध, क्रोध क्या है? प्राप्तव्य वस्तु यानी जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, मान आदि जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमें प्राप्त नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। मोह क्या है? जो वस्तु हमारे पास है, जो प्रियजन हमारे पास है, जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो परिवार, जो पत्नी पुत्र आदि हमारे पास है, वह चला न जाए, इसका नाम मोह है। लोभ क्या है? जो वस्तु धन संपत्ति हमारे पास है उसमें संतुष्ट न रहते हुए और वृद्धि की कामना का नाम लोभ है। अतः सांसारिक पक्ष में, लौकिक पक्ष में एकमात्र सहजता को अपनाने से इन चारों से मुक्ति पाई जा सकती है। कुछ था अब नहीं है, कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, जो हमारे पास है वह रहे न रहे जितना ही काफी है। यह सहज भाव लाने से इनसे बचा जा सकता है और यदि ये न हो पाए तो इन चारों को भगवत विषय की ओर मोड़ दें। सदैव यह शोक करें कि मेरा जीवन बीत चला है, एक एक दिन नष्ट होता जा रहा है, मुझे प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं हुई, जीवन यूं ही चला गया, यह शोक करें। क्रोध करें तो कैसा क्रोध करें कि यह मनुष्य जीवन प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए मिला था और अभी तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, इस बात पर क्रोध करें। सदैव यह मोह रखें कि यह मानव जीवन फिर नहीं मिलेगा, जितना हो सके इससे ठाकुर सेवा या भजन हो जाए और उसमें आसक्त रहे। लोभ कैसा करें? सदैव ऐसा लोभ रखें कि अधिक से अधिक भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भगवत उन्मुखता बढ़ती रहे। ये सारे ही शोक क्रोध मोह लोभ यदि संसारी हों तो कितने अधिक घातक हैं, और यदि ये भगवदीय भाव से किया जाए तो ये कितने मंगलकारी हैं। जय श्री राधे, जय निताई।